दिल्ली की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर जीत के लिए चुनाव प्रचार कर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल के रोड शो में कुछ लोगों ने मोदी के समर्थन में नारे लगाए। केजरीवाल वहां आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दिलीप पांडे के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तभी वहां खड़े कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। अपने रोड शो में पीएम के नारे समर्थन वाले नारे लगते देख अरविंद केजरीवाल हक्के बक्के रह गए और कुछ देर बाद इशारे से अपने रोड शो में शामिल लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहते दिखे। लेकिन मोदी के समर्थन में नारे लगाने वाले लोग नहीं रुके और नारे लगाते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर यूटर्न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल पहले दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ने को तैयार थे, लेकिन बाद में वो पलट गए। मैंने साफ खुल के केजरीवाल जी से कहा, 7 की 7 सीटें जीतनी है, आप 4 सीटों पर लड़िए, हम 3 सीटों पर लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने कहा, पहले कहा था कि हाँ 4 सीटों पे आप लड़ेगी, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। जैसे ही मैंने बात मंजूर की, मैंने कहा हाँ बात एक्सेप्टेड है, वैसे ही केजरीवाल जी ने हरियाणा और पंजाब की बात शुरू कर दी। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद भी इलाज नहीं करने के मामले में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। आयुष्मान भारत योजना के सीईओ चंद्रभूषण ने ये रिपोर्ट अमेठी के डीएम से मांगी है। We have seen that this hospital has been part of Ayushman Bharat. They have provided treatment to more than 200 people already. So we will inquire into this specific case and see if it is correct that they refused the benefit to any Ayushman Bharat beneficiaries, and if that is the case, we will act. दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने 11 अवैध फार्म हाउस को सील कर दिया। ये सभी फार्म हाउस एयरफोर्स की जमीन पर बनाए गए थे। इन फार्म हाउस पर अवैध तरीके से रेव पार्टी का आयोजन हो रहा था। रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा के फार्म हाउस से 192 लड़के लड़कियों को पकड़ा भी गया है।